ये भी पढ़ोगे? ये भी पढ़ूंगा। ये भी पढ़ोगे? ये भी पढ़ूंगा। इसके बाद तुम मर जाओगे। मरूंगा क्यों? इतनी किताबें पढ़ने के बाद तुम्हारा सांस फूल जाएगा, तुम हांफने लगोगे, तुम्हें दमा हो जाएगा और दमे की हालत में तुम्हारा दम निकल जाएगा। तुम नहीं समझोगे, मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? हाँ, हर कीमत पे डैड से एक नंबर ज्यादा लूंगा, वरना 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 कुछ भी हो सकता है। डैड समझते हैं खानदान में दोबारा उनका मद्दे मुकाबिल पैदा नहीं होगा। परसों मैंने उन्हें कैरम की तीनों बाजियां हरा दी, बस यहीं से उनकी शिकस्त का आगाज हो चुका है। मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ। मैं ऐनक पहनने वाले को अंकल ही समझता हूँ। खैर, तुम्हारी फुटबॉल यहाँ गिरी। गिरी नहीं है, मेरे सर पे लगी है। सर फट गया क्या? इंतहाई बदतमीज किस्म के बच्चे हो तुम। खैर, ऐसे तमीजदार आप भी नहीं। बस किताबें उठाए फिरते हैं या कुछ पढ़ते भी हैं? क्या 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 मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि ऐसी मोटी मोटी किताब पढ़ने से बहुत पहले तक बच्चों से बात करने की तमीज आ जानी चाहिए। आप उस वाहियात बच्चे की बात कर रही हैं? बिल्कुल यही जुमला उसने नीचे उतरकर आपके बारे में कहा है। आपके यहाँ सब इसी तरह के हैं? किस तरह के? खैर, मुझसे कोई काम है आपको? हमारी फुटबॉल यहाँ गिरी है। तो फुटबॉल खेलती हैं आप? आपको कोई एतराज? बेहतर होगा अगर ये काम आप मर्दों को करने दें। अजी छोड़िए, मर्दों से तो अब हॉकी भी नहीं खेली जाती। आपने कभी मुझे फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा? फिलहाल तो हमारी फुटबॉल वापस फेंकिए, आपको खेलते हुए फिर कभी देख लेंगे। फुटबॉल कोई पैरों से खेलने की चीज नहीं होती। ये तुम्हारा इलमदीन कहाँ है? कौन? दानी? चुपके रहिए वकार साहब, संडे की हार भूल गए क्या? मुझे अपनी हार भी याद है और तुम्हारी बेईमानी भी। आप तो लगता है इलेक्शन हार गए। चलो इस संडे को सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। ओहो, किसे पता संडे को क्या होना है। ओ, अच्छा भाई वो है कहाँ? बाबू के यहाँ गया है कुछ किताबें लेने। ओहो, मतलब तैयारी जोरों पर है। गुड इवनिंग। सॉरी मामा। नो प्रॉब्लम। डैड, क्या फुटबॉल पैरों से खेलने की चीज नहीं होती? पहले तो पैरों से ही खेलते थे बेटा। तुम्हारी ऐनक का नंबर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब परवाह नहीं, मेरे पास एक देसी टोटका है। देसी टोटका?
तुम चाय के साथ ना घास खाया करो। मैंने किसी भी गधे को नजर की ऐनक लगाए नहीं देखा। अरे कहां जा रहे हो? यहीं बैठो, यहीं मंगवा देते हैं घास। फुटबॉल कोई पैरों से खेलने की चीज नहीं होती। रानी साहब, रानी साहब, क्या है? चाय नहीं पिएंगे? नहीं। खाना भी नहीं खाएंगे? नहीं। सुनो, ये कब करने जा रहे हो? आप ही ने तो कहा था मैं चाय नहीं पीऊंगा। इसे यहां रखो, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। ठीक है साहब जी। फुटबॉल नहीं, क्रेडिट्स। आपसे मैं पहले भी कहीं मिली हूं? भूल गई क्या? आपकी ऐनक देखकर लगता है कि आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है। आप तो बड़ी भुलक्कड़ है। अरे हाँ, आप वही हैं जो पैरों से फुटबॉल खेलते हैं। आप मुझे ऐनक समझती हैं? नहीं तो खैर, मैं भी फुटबॉल का मैच देखकर आ रहा हूँ। अच्छा? हाँ, सब लोग ना पैरों से फुटबॉल खेल रहे थे। ओ नो, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? There is something wrong. क्या कहा? शायद उस वक्त आप ऐनक लगाना भूल गए होंगे। हरगिज नहीं। तो फिर वो क्रिकेट मैच होगा। क्रिकेट कोई पैरों से खेलने की चीज होती है? आप खेल कूद में क्यों पढ़ते हैं? पढ़ाई कीजिए ना। अच्छा आज? अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। मामा भाई नाराज है क्या? नहीं तो फिर उदास क्यों है? पढ़ पढ़ के मत मारी गई होगी। सुनो भाई, क्या है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या दिखाई देता है? तुम्हारे मुंह की घड़ी का वक्त वॉल क्लॉक के वक्त से मिल नहीं रहा। तुम भी मुझे अहमक समझती हो? कोई और भी अहमक समझता है तुम्हें? आयशा, तुमने कभी क्रिकेट मैच तो देखा होगा। मुझे सवाइया खेल देखने की फुर्सत कहाँ होती है भाई। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि क्रिकेट मैच कोई पैरों से खेलने की चीज नहीं होती। ठीक से याद नहीं पड़ता।
वो मुझे अहमक समझती है यार। अगर सब लोगों की यही राय है तो मान क्यों नहीं लेते? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे उसका? मैं कर ही क्या सकता हूं। अच्छा होता अगर तुम फुटबॉल उठा के वापस उसके सर पे मार देते। हद करते हैं यार, उसके साथ एक बदतमीज बच्चा भी था। वो बंटू? बंटू नाम है उसका। यार मुझे तो हैरत इस बात पे है कि वो मेरे पड़ोस में रहती। देखने में कैसे? खूबसूरत है। और खूबसूरत ना होती तो क्या करते? फुटबॉल उठाकर उसके सर पे मार देता। हाँ ओके। आप ठीक फुटबॉल खेलने के वक्त यहाँ से क्यों गुजरते हैं? मैं अपने गुजरने के औकात में तब्दीली के बारे में सोच रहा हूँ। शुक्र कीजिए ये गेंद पत्थर की नहीं होती। चलो भाई तुम्हारी बारी है। मेरे हैं 22 नंबर, याद रखना। अच्छा। अरे भाई इलमदीन जी। डैड आज संडे है, एक बाजी हो जाए? जी नहीं, मैं खेल कूद में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। खेल कूद में? भाई ये खेल तक तो ठीक है, लेकिन कैरम खेलने में कूदना कहां से आ गया? एक ही बात है, अल्लाह की शान है। लाओ भाई हम तो खेल। बारी है डैड। हाँ तुम्हारी बारी है, माफी चाहता हूँ, उसमें जरा निकल गया। अरे रह गई बिटिया रह गई। लो भाई क्वीन बचाओ। क्या है? खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा। चाय तो पिएंगे ना? चाय भी नहीं पीऊंगा। ये क्या है? हो सकता है अपना फैसला बदल ले। मैं फैसला भी नहीं बदलूंगा, उठाओ इसे। सुनो मैं खाना खाऊंगा।
उसका नाम रेशमा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसका नाम रेशमा हुआ तो मैं कर ही क्या सकता हूं। ये तो मैं जानता हूं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बंटू कुछ कर सकता है। बंटू वो बदतमीज। अब ये भूल जाओ कि वो बदतमीज। मैं जानता हूं आप मुझे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। मैं ये भी जानता हूं कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। किसने कहा ये? आपने उस दिन आपने मुझे बदतमीज कहा था। बस तो गुस्से में कहा होगा ना बंटू डार्लिंग। ऑफ कोर्स सर, बाकी बातें आइसक्रीम खाने के बाद करेंगे। श्योर। एक बात का तो आपको पता ही नहीं। हाँ। आइसक्रीम खाने से पहले मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर भी खाया करता हूँ। ठीक है। बंटू, अब तुम फुटबॉल नहीं खेलते? नहीं। क्यों? वो वापस चले गए ना। वापस कहाँ? अपने हॉस्टल। कभी कभार दो चार दिन के लिए आती है, हमारे दूर रिश्तेदार है, देश में नाम है उनका। पता है तो फिर इतने पैसे खर्चने की जरूरत थी? बाबू, वो बंटू का बच्चा बस देखने में बच्चा लगता है। अब तो मुझे भी इस बात का यकीन हो गया। किस बात का? कि उसका नाम रेशमा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बाबू, उसे रेशमा बनने की जरूरत क्या थी? वो तो मैं उल्लू बना रही हूँ। मुझे उल्लू? जी, मैं लिख कर देता हूँ कि मैं उल्लू बनने के लिए तैयार हूँ। खैर, इसके लिए किसी तहरीरी सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन दानी, एक बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। क्या? तुम रेशमा के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो? वो रेशमा नहीं है। फर्ज करो वो रेशमा नहीं, मोना है। फिर तुम क्या कर लोगे? मैं कर ही क्या सकता हूं। शुक्र कीजिए ये गेंद पत्थर की नहीं होती। रेशमा नाम है मेरा। रेशमा? जी नहीं, आपका नाम रेशमा हो ही नहीं सकता। क्या शहर में नाम रखने के लिए आपकी मर्जी चलती है? वो तो मैं उल्लू बना रही हूं। वो मुझे उल्लू बना रही है? अहमक समझती है मुझे? हाँ, मैं अहमक हूं। लेकिन मैं अहमक क्यों हूं? मैं अहमक इसलिए हूं क्योंकि मैं रेशमा के लिए परेशान हूं, जबकि मैं जानता हूं कि वो रेशमा नहीं है। या फिर मैं उस लड़की के लिए परेशान हूं जो रेशमा नहीं है, जबकि बंटू भी कहता है कि उसका नाम रेशमा है। लाइब्रेरी का वर्क खत्म हो चुका है। हाँ, अच्छा। आई एम सॉरी।
अपने डैडी से हार पी सकते हो। लेकिन मैं पढ़ तो रहा हूँ मामा। पढ़ नहीं रहे, पढ़ने का ढोंग कर रहे हो, किताबों पे सर रख कर सोते रहते हो। अब कभी कभी ऊंग आ जाती है मामा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर तुम अपने डैडी से हार गए तो हमें कितना नुकसान होगा। मैं जानता हूँ मामा, हमें डैड की हर बात मानना पड़ेगी। तुम नहीं जानते भाई कि अगली बार वो क्या फैसला करने वाले। कोई सीरियस बात है क्या? वो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ वो चाहेंगे वहाँ और जिसे तुम्हारे लिए पसंद करेंगे उसके साथ। ओह नो। वैसे भाई तुमने कोई लड़की देख रखी है? मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है पढ़ाई से। फिर तो तुम्हें डैड के फैसले की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं कोई गाय भैंस थोड़ी हूँ जो किसी के भी पल्ले बांध दिया जाऊं। चाय बीबी जी? हाँ, यहाँ मेज पर रखो। ये कौन है मामा? ये नई नौकरानी है, शरीफे की बीवी, रेशमा नाम है इसका। रेशमा! चाय तो पियो। नहीं पीऊंगा। ऐसे यार तुम्हारे ख्याल में उसे लाइब्रेरी आना भी बंद किया होगा? शायद वो मुझसे डरने लगी है। तुम्हारे पास डराने के लिए शक्ल के अलावा क्या है? हंसो मत, वो मुझसे पीछा छुड़ा रही है। तो तुम पीछा छोड़ क्यों नहीं देते यार? तुम्हें नहीं पता बाबू, दीमक की तरह मेरे हिसाब से चिमटी हुई है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। ओह नो बाबू, वो मुझे पढ़ने भी नहीं देती। मैं डैड से हार जाऊंगा। तो फिर वहीं चलते हैं। कहाँ? हकीम बंटू खान के पास। मेरे खुदा बंटू, ठहरो। आपको बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। मैं तो अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता हूँ। थैंक यू। हाँ सुनो बंटू, वो रेशमा आप कहाँ होती है? वही हॉस्टल में। लेकिन वो पढ़ती कहाँ है? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में कहाँ? बाकी बातें हम आइसक्रीम पार्लर में करेंगे। बंटू तुम मान क्यों नहीं लेते कि उसका नाम रेशमा नहीं है? तुम्हें अभी तक रेशमा की पड़ी है। पहले आप दोनों ये तय कर लो कि हमारा मौज में गुफ्तगु क्या होगा। मैं किसी बात में खफा भी हो सकता हूँ। सॉरी बंटू डार्लिंग। अच्छा बंटू, तुम बता रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो मैं कह चुका हूँ, पर मैं हर बात दो मरतबा करने का आदि नहीं। लेकिन वो यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़ती है? इतनी तफसील के लिए हमें अगली मुलाकात का इंतजार करना। अगली मुलाकात? प्लीज बंटू डार्लिंग, अगली मुलाकात पर मत टालो। लेकिन इतनी तफसील के लिए मुझे अपने पापा से बात करनी होगी। पापा से? ओह गॉड। अच्छा बंटू ये बताओ कि उसका घर कहाँ है? इस्लामाबाद। एड्रेस क्या है? मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बंटू तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बस उल्लू नहीं बनूंगा। खत्म हो चुकी है, अब मैं चलना चाहिए। बंटू कहाँ गए थे तुम? अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने। शेम बंटू,
तुमने तो कहा था तुम आधे घंटे में वापस आ जाओगे। मैं इस बंटू के बच्चे को गोली मार दूंगा। ये बच्चा नहीं है धानी, खुदा की कसम ये बच्चा नहीं है। अब ये फुटबॉल खेलेंगे। तुम अंदर आओ। टेलीफोन करो। किसे? रेशमा को और किसे? नंबर 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 हेलो 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 जी, मैं दानी बोल रहा हूँ। बोलिए। कहता बोलिए तो बोलो ना। जी मैं दानी बोल रहा हूँ जी। सिर्फ एक ही दानी है या दो हैं? एक ही दानी है जी। किससे बात करेंगे? कहते किससे बात करेंगे? रेशमा से। रेशमा से। रेशमा से जी। वो रेशमा से जी। रेशमा से? कौन रेशमा? जी वो रेशमा जी। रॉन्ग नंबर। कोई पागल है। कौन था? कोई पागल है। रीडायल करो। हाँ हेलो। हेलो रेशमा जी, बोल रही हूँ। रेशमा मैं दानी बोल रहा हूँ। कौन दानी? दानी वो जी, वो फुटबॉल वाला। फुटबॉल बेचते हैं आप? नहीं नहीं, फुटबॉल नहीं बेचता मैं, वो लाइब्रेरी वाला। अच्छा अच्छा, तो आपका नाम दानी है? जी जी। आपको फोन का नंबर कैसे मिला? जी मिला नहीं है, ढूंढा है। फोन क्यों किया? जी वो आप काफी दिनों से लाइब्रेरी नहीं आ रही। मेरी लाइब्रेरी ना आने से आपको परेशानी क्यों है? मैं समझा कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो। अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो तो आप क्या करेंगे? मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो फिर फोन करने की जहमत क्यों करते हैं? लानत है तुम पर। क्या हुआ? कहीं मिलने की बात क्यों नहीं करते यार? पहले भी तो कई बार मिला हूं, वहां कौन सा तीर मार लिया मैंने? किसी रेस्टोरेंट में मिलने की बात करो यार। मतलब दोबारा फोन करूं? हाँ। अच्छा हेलो रेशमा, मैं दानी बोल रहा हूँ, मैं तुमसे किसी रेस्टोरेंट में मिलना चाहता हूँ। तुम कोई पागल हो क्या? अरे भाई तुमसे पहले भी कहा था कि यहाँ कोई रेशमा नहीं रहती। वो फुटबॉल खेल रही है तो फिर जल्दी से पोजीशन पर जाओ। पोजीशन पोजीशन नीचे उतरो। मेरी फुटबॉल तो दे। तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे ही देना होगी। रेशमा जा चुकी है। लो भाई आयशा बिटिया, बताओ पहले कौन सी? डैडी ये वो वाली लो। गई भाई वो तो गई।
गई। अब कौन सी जाए? अब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये लो बेटा, ये देखो, देखो जाने लगी है, रोक सकते हो तो रोक लो। हो गई, हो गई। लो भाई, दुश्मन की रह गई एक दो तीन और हमारी रह गई एक और दो। ले भाई आशा बेटे, पहले इसको पॉट करते। हो गई, हो गई। लो भाई, अब रह गई एक। मियाँ, रोक सकते हो तो रोक लो, जाने लगी है ये गोट। नहीं जाएगी। अच्छा, अब टूट के भी होंगे। लो भाई आशा बिटिया, देखना ये गोट जाती कैसे। अल्लाह का नाम लेके याहू, जीत गए। अरे भाई, तुम हार गए हो। मुझे पता है। तुम्हें दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ? तुम्हें पता है अगले 7 दिन तक तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मान लूंगा। यानी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है? कोई परवाह नहीं। क्या हो गया भाई इसे? भाई, कल मैंने क्रिकेट मैच देखा था, सब लोग हाथों से खेल रहे थे। पता है? पता है तो उस दिन पूछ क्यों रहे थे? अंदर आ जाओ रेशमा। रेशमा, खाना लाई। मुझे नहीं खाना खाना। खा लो ना भाई, डैड का ऑर्डर है, और हारने के बाद तुम उनकी किसी बात को टाल नहीं सकते। ठीक है, यहां रख दो और तुम जाओ। ये तुम रेशमा के नाम से उछल क्यों जाते? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना भाई, तो फिर ऐसा बात कहने में हर्ज ही क्या है? हेलो। हेलो, दानी है? तुम्हारा फोन है भाई। भाई, हेलो, LOS 8595। ये क्या है? रेशमा की गाड़ी का नंबर। तुम्हें कहां से मिला? बंटू से। बंटू से? बड़े अहमक हो तुम, वो सिर्फ झूठ बोलने की वजह से जहन्नुम में जाएगा। झूठ नहीं है दानी, सच गलती से उसके मुंह से निकल गया। अगर ये सच ना हुआ ना, तो मैं बंटू के बच्चे को गोली मार दूंगा और तुम्हें भी। अब तुम जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं। हेलो, आप यहाँ भी आ गए? अरे, आपको नहीं पता मैं आपके लिए कहाँ तक जा सकता हूँ। अगर मैं कहीं कुएं में गिर जाऊँ तो आप भी गिरना पसंद करेंगे? मैं तो ऑलरेडी कुएं में गिर चुका हूँ। वो कैसे? मोहब्बत किसी अंधे कुएं से कम नहीं होती मिस रेशमा। ओह, तो मोहब्बत हो गई आपको मुझसे। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। लेकिन इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत? सबूतों की एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। मसलन? मसलन मुझे भूख नहीं लगती।
Something must be wrong with your stomach. मतलब मुझे नींद नहीं आती. Then take sleeping pills. मतलब मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता. You may not be serious about it. मसलन last Sunday मैं डैड से कैरम की तीनों गेम्स हार गया हूँ. I think you are not a good player. मसलन मैं रेशमा का नाम सुनकर उछल जाता हूँ. रेशमा कौन? हमारी नौकरानी. मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. आपके ख्याल में मुझे आगे से शख्स से शादी कर लेनी चाहिए? आई थिंक आई एम बेस्ट ऑफ ऑल द चॉइसेस. ठीक है, शादी की तैयारियां कीजिए. है? याहू! लानत है मुझ पर, उसके घर का पता तो पूछा ही नहीं. इस नंबर की गाड़ी तो यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं है. जरूर बंटू ने झूठ बोला होगा. बंटू सिर्फ झूठ बोलने की वजह से जहन्नुम में जाएगा. आपको पता नहीं, मैं आपके लिए कुएं में भी गिर सकता हूँ. तो गिर जाइए ना. इसका मतलब आपको कुछ याद नहीं? क्या बक रहे हैं आप? बक नहीं रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ कि आपको सिरे से कुछ याद ही नहीं. खैर, मैं आपके हवाले से कुछ भी याद रखना नहीं चाहती. माफी चाहता हूँ, मैंने बैठने के लिए इजाजत भी मांगी. खाना खा रही हैं आप? नहीं, चाय पी रही हूँ. झूठ बोला, आपने बंटू से सीखा होगा. बंटू ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है. बंटू ने दो बार मेरे पैसों से बर्गर और आइसक्रीम खाई है, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया. बंटू आपकी तरह अहमक नहीं है. मैं भी बस आपके सामने अहमक लगता हूँ, वरना अहमक मैं भी नहीं हूँ. खैर, मुझसे कोई काम है आपको? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. आप सिर्फ ये मत कहिएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है. तो ये बात मैं किससे कहूँ? किसी से भी. कमाल करती हैं आप, मुझे आपसे मोहब्बत है तो मैं किसी और से क्यों कहूँगा? ओह गॉड, सेम ओल्ड स्टोरी. अब क्या मुझे यहाँ से पहले जाना होगा या आप जाएंगे? देखिए मिस रेशमा, मुझे आपसे वाकई मोहब्बत है. लेकिन आपको मुझसे मोहब्बत क्यों है? इस किस्म का सवाल शायद पहली बार पूछा गया है, इसलिए मैं ठीक से जवाब नहीं दे सकता. आपने कभी तोता पाला है? तोता? तोता पालने से क्या होगा? आप तोता पालिए और ये फिक्र बार बार तोते को रटाइए कि मुझे आपसे मोहब्बत है. वो जवाब में आपको मायूस नहीं करेगा. Thank you.
सुनिए मिस रेशमा, आप सच्ची मोहब्बत को झुठला रही हैं। मैं इसे साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मसलन क्या कर सकते हैं आप? मैं कुएं में कूद जाऊंगा, जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। आप शौक से जहर खाइए, मैं आपके मरने की खबर अखबार में पढ़ लूंगी। और हाँ, अपनी कब्र पर अपने नाम की तख्ती लिखवाना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी रोज अगरबत्तियां जलाने आ जाओ। दानी नाम है ना आपका? जहर है आपके पास? क्या करेंगे आप? खाऊंगा। तो जहर खाएंगे टिबला? जी बिल्कुल खाऊंगा। जहर तो है मेरे पास लेकिन ताजा नहीं है। मैं बासी जहर ही खा लूंगा। मियां, बासी जहर खाने से पेट में मरोड़ उठने लगेंगे। हुँ? क्या हुआ? मुझे मरोड़ों से बड़ा डर लगता है। हशी, मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की जरूरत पड़ गई है। यहाँ बैठो। बोलो क्या बात है? सुनोगी तो हंसोगी। नहीं हंसूंगी भाई। आयशा, मुझे ना मुझे मोहब्बत हो गई है। किससे? रेशमा से। दिमाग चल गया तुम्हारा? रेशमा शरीफे की बीवी है। ये वाली रेशमा नहीं, दूसरी वाली रेशमा। अच्छा, तो कौन है ये दूसरी रेशमा? पता नहीं। क्या मतलब? हेलो। जी है, थोड़ा फोन है भाई। हेलो। हाँ सुनो दानी, वो एनसीए में पढ़ती है। वो एनसीए में पढ़ती है, उसकी गाड़ी का नंबर LO56 नहीं, LO5S नहीं, हाँ हाँ, उसकी गाड़ी का नंबर LOS8595 है। रेशमा? जी हाँ, मेरा ही नाम रेशमा है, मुझे आयशा कहते हैं। हेलो। हाय। आयशा क्या कर लेंगी? क्या वो कुछ नहीं कर सकती? तुम क्या समझते हो, आयशा के कहने पर रेशमा तुमसे मोहब्बत करने लगेगी? मैंने तो बस अपना आखिरी पत्ता भी खेल दिया। इससे बेहतर था कि तुम अपने डैड से बात करती। डैड से? एक ऐसी लड़की के लिए जो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, डैड से क्या बात करूंगा?
और पता क्या, मैं डैड को ना अपना कोई वीक पॉइंट देना नहीं चाहता। तुम्हारी मर्जी। वैसे अब तक आ जाना चाहिए था उसे। आओ ना बैठो। नहीं यहाँ यहाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हें अहमक समझती है भाई। साफ इनकार कर दिया? साफ इनकार तो नहीं किया, बस सॉरी कह दिया। उसका दिल पत्थर का बना हुआ है। खैर ऐसी बात भी नहीं, उसे तुमसे हमदर्दी है। मैं लानत भेजता हूँ उसकी हमदर्दी पर। ये भी तो हो सकता है दानी, वो किसी और से मोहब्बत करती हो। उसने कहा? कहा तो नहीं। वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। क्यों? उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो सर से फुटबॉल खेलता और पैरों से क्रिकेट। लेकिन आयशा, कोई एक पॉइंट तो होगा जो दानी की फेवर में चाहता हो। मेरे ख्याल में दानी को एक बार खुद उससे मिलना चाहिए। ये तो 100 बार मिल चुका है उससे, नतीजा वही भाग के 3 पात। पिटी मनी दानी। अभी तक जिंदा है? मैं बाकायदगी से अखबार देखती रही हूँ कि किसी रोज आपके मरने की खबर छपेगी, और इसी ख्याल से मैंने अगरबत्तियों के 4 पैकेट भी खरीद लिए थे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? आज आप बहुत गुस्से में है। हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? मैं कर ही क्या सकता हूँ। मरने का इरादा क्यों तर्क कर दिया? पेट में मरोड़ उठते हैं क्या? क्या तुम हकीम से मिली हो? मैं आपके हवाले से किसी से मिलना पसंद नहीं करती। शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आता। देखिए दानी साहब, मेरे इम्तिहान चल रहे हैं और इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त जरा कम होता है। पत्थर का दिल है तुम्हारा। दिल की बात तो रहने ही दीजिए, ये हर मांगने वाले को नहीं दिया जाता। मांगने वाला? मैं तुम्हें भिखारी दिखाई देता हूँ। आपका स्टाइल तो बिल्कुल भिखमंगों जैसा है। तुम पर ना खुदा का अजाब नाजिल होने वाला है। मेरे ख्याल में मुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हो चुका है, बस आपके जाते ही टल जाएगा। ओके, गुड बाय। सुनिए, बेहतर होगा कि हमारी आखिरी मुलाकात हो। क्या फिर जहर लेने के लिए आ गए मियां? जी नहीं, मुझे खमीरा गावजबान चाहिए और बादामों का शरबत भी। अच्छा, भाई क्या बात है आशी? शॉपर में क्या है भाई?
खमीरा गावजबान और बादामों का शरबत। वो किस लिए? मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा। नहीं तो ऐसा होता है दानी, जरूरी नहीं कि जिसे चाहा जाए वो भी आपसे मोहब्बत करता हो। तवक्कोआत की जुए में कई बार हारना भी पड़ता है। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं। एक चीज के ना मिलने से सब कुछ छिन नहीं जाता, और ना मिलने वाली चीजें ही बेहतरीन नहीं होती। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? मेरा सेशन ऑफ हो गया है, मैं वापस जा रही हूं। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो जाएगी। तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भेजूंगी, आओगे ना? मैं नहीं आऊंगा। फिर भी मैं तुम्हें कार्ड भेजूंगी और मुझे यकीन है तुम जरूर आओगे। गुड बाय। ख्वाब शीशे के फूल होते जो आंखों में खिलकर आंखों में ही टूट जाते, और उनकी किरचियों की चुभन से हमेशा आंखें दुखती रहती।
मैं तुम्हें किताबें वापस करने आया था बाबू, मैंने कुछ ठीक से पढ़ नहीं सका। अच्छा हुआ तुम मरने से बच गए। सुनो, रेशमा का कुछ पता चला? अगर उसका पता चल भी जाए तो मैं कर ही क्या सकता हूं। बोलने की वजह से जहन्नुम में जाओगे। इधर आओ। जी मामा। अखबार पढ़ी तुमने? नहीं तो। तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। अबू से 20 नंबर कम लिए हैं तुमने। मुझे पता है मैं डैड से हार गया हूं। तुम जानते हो कि इसका नतीजा क्या होगा? मुझे डैड की हर बात मानना पड़ेगी। तुम्हें शादी भी डैड की मर्जी से करना होगी भाई। मैं जानता हूं हारने वाले को जीतने वाले की शर्तें मानना पड़ती हैं। मैं शादी भी डैड की मर्जी से करूंगा। और फिर मैंने डैड के सामने अपने शिकस्त के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। उर्फे आम में उसे निकाहनामा कहते होंगे। और आखिर रेशमा से मेरी मोहब्बत की कहानी तुमसे शादी के बाद खत्म हो गई। तुमसे इस कहानी का तस्करा इसलिए कर रहा हूं सवेरा कि अगर उस टूटे हुए ख्वाब की किरचियों से कभी मेरी आंखें दुखने लगे तो उनकी पीड़ से निकलने वाले आंसू तुम्हारे लिए तकलीफ दे ना हो। हेलो। हेलो दानी। जी बोल रहा हूं। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या? रेशमा की शादी हो गई। थैंक यू। बाबू का टेलीफोन था। मेरे लिए एक नई खबर है। रेशमा की शादी हो गई है। रेशमा को अब भी मेरे लिए खबर समझता है। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो?
तुम्हें यही करना चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हें आज भी रेशमा से मोहब्बत है। मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरी शादी तुम जैसे अहमक से हो गई है। रेशमा, तुम सुनो, मैं जानता हूं कि मैं इतना अहमक नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो मैं मान लूंगा कि फुटबॉल कोई पैरों से खेलने की चीज नहीं होती और क्रिकेट बस पैरों से ही खेलते हैं। एक बाजी हो जाए हर गेम में। वो पानी फेंक ले। हेलो, एक मिनट, आप पहले हेलो बोल रहे। हमेशा रक्षा चलते रहते हैं और देख लेना बाहर कौन आया है। अरे आप आपका स्टाइल बिल्कुल टिकमंग हो जाता है। पत्थर का कर लो तुम्हारा, चुप कर जा, पत्थर का कर लो तुम्हारा। उससे मैं बोल रही कि जानबूझ के बोल रही हैं। बोल, आओ। नहीं नहीं यार, ये बने रहा, आ जा। मसलन, मसलन भाई करने के बाद। हाँ, रेशमा को पहुँची। सुनिए मिस रेशमा, सुनिए, कट कीजिए। मैं कुएं में कूद जाऊंगा, जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। आप शौक से जहर खाइए। और क्या? अगला, बोलो। वो तो देखो, जाओ। चलो, बोलो। अच्छा।